हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है आपका योगी मोबाइल शॉप यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दो बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स के बारे में, जो आपको अंडर 15,000 के अराउंड देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट फ़ोन की तरफ, जो है मोटोरोला का G62 5G। फ्रेंड्स, इसमें आपको प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 695 का 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, वहीं आपको ये 6 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाएगा, जो एंड्रॉयड 12 पर वर्क करता है। फ्रेंड्स, में आपको 6.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। फ्रेंड्स, में आपको कैमरा की बात की जाए तो 50 MP का ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, इसमें आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वहीं बैटरी की बात की जाए तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी हुई है एंड 15 W फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड के साथ। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक्सेलेंट बैटरी लाइफ एंड गुड परफॉर्मेंस के साथ स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, इसके माइनस पॉइंट दिए हुए हैं, जो है एवरेज लो लाइट कैमरा दिया हुआ एंड स्लो चार्जिंग स्पीड। एंड फ्रेंड्स, इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती है। चलते हैं सेकेंड का, जो है सैमसंग का F23 5G। फ्रेंड्स, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 750 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ। इसमें आपको एंड्रॉयड 12 देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 6.6 इंच की फुल HD 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको 50 MP का ट्रिपल रियर कैमरा दिया हुआ है एंड 8 MP का सेल्फी कैमरा। वहीं इसकी बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh बैटरी 25 W फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड के साथ आता है। इसमें आपको ग्रेट बैटरी लाइफ एंड डिसेंट कैमरा एंड क्लीन सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, इसमें आपको माइनस पॉइंट की बात की जाए तो इसमें आपको स्लो चार्जिंग स्पीड दी हुई है एंड नो चार्जिंग एडाप्टर। फ्रेंड्स, इसमें आपको एडाप्टर नहीं मिलेगा नो AMOLED डिस्प्ले के साथ। तो फ्रेंड्स, दोनों कौन सा बेस्ट लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें।